नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। मैगी बनाना तो सभी को आता है और ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन आज मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी। तो आइए अब हम मैगी बनाना शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि मैगी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। हमने 2 पैकेट मैगी लिया है और 2 पैकेट हमने मैगी मसाला लिया है। हमारे मैगी में मैगी मसाला होता है, लेकिन हमने इसमें ढेर सारी सब्जियां डाली हैं, इसलिए हम 2 पैकेट और एक्स्ट्रा मैगी मसाला ऐड करेंगे। हमने आधा कटोरी गाजर लिया है, गाजर को हमने लंबे आकार में काट लिया है। आधा कटोरी हमने फूल गोभी लिया है, फूल गोभी को भी हमने बहुत ही बारीक काट लिया है। 2 मीडियम साइज के हमने प्याज लिए हैं, प्याज को हमने लंबे आकार में काट लिया है। 2 मीडियम साइज का हमने टमाटर लिया है, टमाटर को भी हमने छोटे पीसेस में काट लिया है। आधा कटोरी हमने फ्रेश मटर लिया है, आप चाहें तो फ्रोजन मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल लिया है हमने मैगी बनाने के लिए। बारीक कटी हुई हमने हरी धनिया लिया है। बारीक कटी हुई हमने 2 हरी मिर्ची ली है। टमाटो सॉस लिया है हमने, मिर्ची पाउडर लिया है हमने, नमक स्वाद के अनुसार। तो आइए अब हम मैगी बनाना शुरू करते हैं। हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक पका लेंगे, जिससे कि हमारी प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए हमारी प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें मटर डाल देंगे और प्याज के साथ हम मटर को 2 मिनट तक पका लेंगे, जिससे कि हमारी मटर हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसे ढक के 2 मिनट तक पका लेते हैं, जिससे कि हमारी मटर सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं और हमारी मटर जो है वो सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। अब हम टमाटर के साथ ही बाकी सब्जियां भी डाल लेंगे। अब हम गोभी डाल देते हैं। अब हम इसमें गाजर डाल देते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल लेंगे अब हम, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। हमारे मैगी मसाला में नमक होता है, इसलिए हम सब्जी के अनुसार ही नमक डालेंगे। तो मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालें। अब हम इसमें मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें मिर्ची डालिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ढक के 2 मिनट तक पका लेते हैं, जिससे कि सारी सब्जियां हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 2 मिनट हो गए हैं, हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें मैगी मसाला डाल देते हैं। तीन चम्मच अब हम इसमें टोमेटो सॉस डाल देंगे। टोमेटो सॉस हमारे मैगी को बहुत ही अच्छा कलर और टेस्ट दोनों ही देता है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके मीडियम आंच पे 2 मिनट तक इसे पका लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। मैंने इसमें 1/2 लीटर पानी डाला है। अब हम इसमें मैगी डाल देंगे। मैंने मैगी को यहाँ तोड़ के डाला है, आप चाहे तो इसे बिना तोड़े भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैगी बहुत ही जल्दी पक जाती है। अब हम इसे ढक के 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं और हमारे पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसे तेज आंच पे तब तक पकाएंगे जब तक हमारी मैगी का सारा पानी सूख ना जाए
अगर आप जूसी मैगी खाना पसंद करते हैं तो आप इसका पूरा पानी ना सुखाएं। मैंने यहाँ सूखी मैगी बनाया है, इसलिए मैंने इसका सारा पानी सुखा दिया है। अक्सर बच्चे सब्जियाँ खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप मैगी में सब्जी डाल के बनाइए, क्योंकि मैगी खाना बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, तो ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होगा। अब हम धनिया पत्ता डाल देते हैं और डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। हमारी यम्मी डिलीशियस मिक्स वेजिटेबल मैगी बनके तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप इसे ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और घंटी वाला आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में, तब तक के लिए नमस्कार।